SBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की स्थिति पर किया विचार। प्रयागराज में अध्ययनरत 10,000 छात्रों को प्रदेश सरकार पहुंचाएगी उनके घर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में अन्य जिलों में रहने वाले छात्रों को घर पहुंचाने का आदेश किया जारी। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,955 केस आए सामने। 355 लोग कोरोना संक्रमण से हुए ठीक। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1,589। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज को दी गई प्लाज्मा थेरेपी से सकारात्मक परिणाम आए सामने। चिकित्सकों ने कहा संक्रमण से ठीक हुए लोग दान करें प्लाज्मा। नमस्कार, मैं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ यह चौथा संवाद था। पीएम मोदी ने महामारी से जुड़े तमाम पहलुओं और आने वाले समय की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया कि लॉकडाउन ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, क्योंकि पिछले देश में 1.5 महीने में हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। भारत सही कई देशों में स्थिति मार्च की शुरुआत में लगभग समान थी। हालांकि सही समय पर उपायों के कारण भारत हजारों लोगों की जान बचाने में सक्षम रहा है। इस वक्त लगातार सतर्कता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने अब तक 2 लॉकडाउन देखे हैं, हालांकि दोनों कुछ पहलुओं में भिन्न हैं और अब हमें आगे का रास्ता सोचना होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले महीनों में भी दिखाई देगा। 2 गज की दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चेहरे पर मास्क हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हर किसी का उद्देश्य त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोग खुद आगे आकर बता रहे हैं कि उन्हें खांसी और सर्दी या बुखार के लक्षण हैं। ये एक स्वागत योग्य संकेत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को महत्व देना होगा और साथ ही COVID-19 के खिलाफ लड़ाई को भी जारी रखना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना संभव हो सके प्रौद्योगिकी के प्रयोग के महत्व पर जोर दें और सुधार के उपायों को अपनाने में समय का सदुपयोग करें। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि COVID-19 के खिलाफ लड़ाई देश के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। ICMRC ने राज्यों को परामर्श दिया है और कहा है कि चीन से आए रैपिड टेस्टिंग किट के प्रयोग को बंद कर दें। इसके साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वे इन्हें वापस कर दें ताकि सप्लायर्स को ये वापस किया जा सके। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया गया कि देश में पर्याप्त संख्या में टेस्ट किट मौजूद हैं। Let me assure you कि there is no dearth in terms of planning and organization of testing kits across the country. Second issue जो आपने बताया है कि देखिए tender का एक बड़ा defined process होता है। उस process में जो भी organizations होते हैं वो अपने international या national certifications produce करते हैं। उसके basis पर technical evaluation के basis पर हमने कोई tender final किया। उस tender को final करने के बाद किसी भी कारण से अगर उस organization से जो product faulty आएगा
तो ऑब्वियसली एज यू आर अवेयर, तो एज पर द टेंडर कंडीशन उसके अंतर्गत उस पर हम कार्य करते हैं, उसका पेमेंट नहीं होता है। उस तरह की लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि कोई भी किसी भी समय के इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़े। सरकार ने कहा है कि दूसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। मनरेगा के तहत 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। इसके साथ ही किसानों की फसल की 80% कटाई हो चुकी है। किसानों के लिए 80% मंडियां काम कर रही हैं। मनरेगा के तहत भी देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28,380 पर पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 21,132 है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,361 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देश भर में कोरोना की वजह से 886 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के कोटा के हजारों छात्रों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब प्रदेश के उन छात्रों को भी उनके घर पहुंचाएंगे जो प्रयागराज में अध्ययनरत हैं। सीएम योगी ने प्रयागराज में प्रदेश के अन्य जिलों के रहने वाले छात्रों को उनके गृह जनपद में पहुंचाने का आदेश जारी किया है, जिससे करीब 10,000 छात्रों को 300 बसों से उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में 15,000 से 25,000 क्षमता के क्वारंटीन सेंटरों के निर्माण का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। लोक भवन में कोरोना वायरस के संबंध में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव सूचना गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 11 के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति के बारे में समीक्षा की। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाया गया कि प्रयागराज में बहुत सारे हमारे प्रदेश के अन्य जनपदों के छात्र फंसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जहां छात्र की बात आती है तो छात्र हित वो सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये जो छात्र हैं छात्राएं हैं ये हमारे प्रदेश की धरोहर हैं। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं ये हमारे प्रदेश की धरोहर है, यूथ हैं, और इनको हमको संभाल के रखना है, इनका हित देखना ही है। कोटा के छात्र पूरे देश में सबसे पहले हमारे प्रदेश में आए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि प्रयागराज के प्रदेश में जो भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शहर में निवास कर रहे हैं, जिनकी वर्तमान में जो संख्या है 9,000 से 10,000 है छात्र छात्राओं की, वो जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस के अधिकारी, वहाँ के रोडवेज के और MD रोडवेज को ये आदेश दिया जा रहा है कि लगभग 300 ऐसी बसें लगाकर उनको भी चरणबद्ध रूप से एक एक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर 300 बसों में पहले चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट में भेजेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के हालात की जानकारी दी, साथ ही लॉकडाउन के गंभीरता से पालन किए जाने के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 मई 2020 से प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाए। हर जरूरतमंद को राशन उपलब्ध हो इसकी निगरानी जनपद स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी करते रहें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की VC के बाद बैठक टीम 11 की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक निर्देश पर टीम 11 की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद जो निर्देश दिए हैं वो निम्नवत है। पहला, 1 मई 2020 से सभी जरूरतमंदों को पुनः खाद्यान्न का वितरण होगा, यानी 3.5 करोड़ से ज्यादा जितने भी राशन कार्ड हैं उन पर 1 मई से वितरण की प्रक्रिया पुनः चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा पिछले 2 चरणों में जो खाद्यान्न बांटा गया है
व्यापक रूप से उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, लोगों ने प्राप्त किया है, और ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड थे उनसे वेरिफिकेशन भी कराया गया तो पाया गया कि सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ है। जहां कहीं कोई शिकायत थी उस शिकायत का समाधान भी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हरियाणा से अब तक 12,200 श्रमिकों को यूपी लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए 328 बसों को लगाया गया है। 26 अप्रैल को प्रदेश के 4 बॉर्डर पर 9,992 श्रमिकों को लाया गया, जिसमें सहारनपुर के बॉर्डर पर 74, शामली के बॉर्डर पर 55, इसी तरह बागपत के बॉर्डर पर 47, मथुरा के बॉर्डर पर 63 और बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें हरियाणा से श्रमिकों को लेकर पहुंची हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को 2,224 श्रमिकों को लाया गया था। उन्होंने बताया कि आने वाले सभी श्रमिकों की मेडिकल जांच करा ली गई है। इसके बाद भी उन्हें 349 बसों के माध्यम से अपने अपने जिले के क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है, जहां उन्हें 14 दिनों तक रहना होगा। मैं बताना चाहूंगा कि कल और परसों हरियाणा से हमारी बसें आई थी और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई। 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में, और 9,992 ये सब श्रमिक हैं जो क्वारंटाइन में थे, जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है। कतिपय जगह पर ये इनपुट जो है क्लैरिफाई कर दिया गया, एक एक श्रमिक का मेडिकल टेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अब तक 1,955 केस सामने आए हैं, जिसमें 1,589 एक्टिव केस हैं। उपचार के बाद 1,955 में से 335 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। हालांकि कोरोना के कारण प्रदेश में 31 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश के 59 जनपद कोरोना से प्रभावित हुए हैं। इंदौर से आए श्रमिक के कारण पीलीभीत में दोबारा संक्रमण का नया केस सामने आया है। 17 जिलों में अभी भी कोरोना का कोई केस नहीं मिला है, जबकि 9 जिले कोरोना से मुक्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में मेडिकल इंफेक्शन की निगरानी व बचाव के लिए समिति बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह समिति अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में कार्य करेगी। इसमें जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, आईएमए, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल क्वारंटीन में 11,363 और आइसोलेशन में 1,784 लोगों को रखा गया है, जबकि 15 लोगों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। प्रदेश में अभी तक कुल मिलाकर इस समय 1,589 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, 1,589 एक्टिव इन्फेक्शन। 335 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, 335 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के, 1,589 एक्टिव इन्फेक्शन है और 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर के 1,955 और ये 59 जिलों से आए हैं। एक नया जिला जो आज ऐड हुआ वो सुबह में, वो झांसी है। 59 में से 9 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन का कोई केस नहीं है। वो पीलीभीत में एक केस आया है, जो इंदौर से एक कुछ श्रमिक आए थे, उनके चेकिंग टेस्टिंग की गई, उसमें एक व्यक्ति इन्फेक्टेड पाया गया है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की कुल संख्या 1,784 है, 1,784। 15 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाकी सभी स्टेबल हैं।
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति MLB भट्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के उपचार से ठीक हुए दो लोगों के द्वारा दिए गए प्लाज्मा डोनेशन को से दो मरीजों को दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत में लगातार सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनेशन के द्वारा इस बीमारी के उपचार में बड़ी सफलता मिल सकती है। आज लखनऊ में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि ज्यादातर कोरोना संक्रमण के 95% मामले जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं और इन लोगों को दानदाता बना होगा। किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए प्रथम प्रयास को, जिसमें तीन हमारे द्वारा ठीक किए गए मरीजों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, उनको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद और बधाई भी देता हूं। और उनके द्वारा दिए गए प्लाज्मा में से एक मरीज की प्लाज्मा को हमारे एक गंभीर मरीज को कल 26 अप्रैल को सफलतापूर्वक इन्फ्यूजन भी किया गया। और ये हर्ष और गौरव का विषय है कि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया यह प्रयास हम लोगों के संज्ञान में ऐसा लाया गया है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में COVID-19 के खिलाफ ये पहला किसी संस्थान ने सरकारी कार्यक्रम किया है। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने जो ये पहल की है, हम उम्मीद करते हैं कि समाज में स्वस्थ हुए मरीजों की सहयोग से, उनके द्वारा दिए गए प्लाज्मा से ज्यादा गंभीर मरीजों की जान बचाने में सफल होंगे। इसलिए हम सभी लोगों को, यहाँ पर जो विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक दल है, जो डोनेट करने वाले हमारे स्वस्थ हुए मरीज हैं, और जिन मरीजों की हम सेवा में ये प्लाज्मा दे पा रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके लिए ये किए देगा एक कार्य का विश्वविद्यालय को जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम सबके आभारी हैं। इस अवसर पर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष वीरेंद्र आतम ने भी बताया कि इस चिकित्सा पद्धति से आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को प्लाज्मा की डोज दी गई है, उनकी हालत में पहले के अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली हम किसी भी कोविड पेशेंट जो की रिकवर कर चुका है ठीक से, वो सब मानकों में जब सही बैठता है तो उससे हम उसका ब्लड लेते हैं और उसके बाद उसका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि उस प्लाज्मा में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, दूसरे पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ावा देती हैं। तो ये जब हम प्लाज्मा किसी भी COVID-19 पेशेंट को देते हैं तो इस स्टडीज़ में देखा गया है इससे बहुत लाभ होता है। ICMR ने भी इसका अब हमें हरी झंडी दिखा दी है, तो इसलिए हम लोग प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के बहुत सजग हैं और प्लाज्मा थेरेपी हम अन्य मरीजों को भी देना चाहते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं क्या गुनगुनाएं भैया? क्यों, क्या हुआ, बैठिए। छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज है ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुश्किल में फंसे म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों की नकदी हालत पर दबाव है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इस बढ़ते दबाव के चलते म्यूचुअल फंड कंपनियों को कुछ बॉन्ड योजनाओं को बंद करना पड़ा है और लंबी अवधि में इसके नुकसानदायक प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि ये दबाव मुख्य तौर पर ज्यादा जोखिम वाले बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड तक ही सीमित है, जबकि अन्य कंपनियों और योजनाओं की नकदी स्थिति समान है। बयान में कहा गया कि यह सुविधा सोमवार से शुक्रवार तक जारी रहेगी और बैंक इस राशि का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या से निपटने के लिए कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वे हालातों को लेकर लगातार सतर्क हैं और जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे। समाचार में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में MSME प्रौद्योगिक विकास ने नई पहल की है। मेरठ में केंद्र PPE किट और मास्क बना रहा है। हमारे संवाददाता ने केंद्र का जायजा लिया। देश में फैली कोरोना महामारी से निपटने में सभी संस्थान अपना अलग अलग तरीके से सहयोग दे रहे हैं, जिसे बीमारी से लड़ने में मदद दी जा सके।
मेरठ में एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्र मेरठ संकट की घड़ी में अलग अलग तरह की चीजें बनाकर अपनी भागीदारी निभा रही है। इसी कड़ी में मंत्रालय के आदेश अनुसार मेरठ जिले के सेंटर पर मास्क और पीपीई किट बनाई जा रही है और इनको कोरोना योद्धाओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे वह कोरोना संक्रमण से बच सके। मेरठ जिले के सेंटर पर अब तक 80,000 मास्क और 4,000 पीपीई किट तैयार करके दी जा चुकी है। एमएसएमई टीडीसी पीपीडीसी के नाम से जाना जाता है और सन 1986 से मेरठ में कार्यरत है, जो कि स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। पर ऐसा नहीं कि हम अगर स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री के लिए हैं, हम सारे जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस हैं उसको जिस फॉर्म में हम हेल्प कर सकते हैं, जो मशीनें हमारे पास हैं, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, वो हम उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मास्क और पीपीई किट तैयार करते समय सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कर्मचारियों को कम संख्या में शिफ्ट में बुलाया जा रहा है। ये केंद्र देश भर के अलग अलग राज्यों में भी काम कर रहा है, जहां फिलहाल बाकी कामों को छोड़कर कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए ये पीपीई किट्स और मास्क बनाए जा रहे हैं। एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्र मेरठ ऐसी पीपीई किट और मास्क बना रहा है जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना फाइटर्स को मदद मिलती है। मेरठ के इस इलाके के अंदर जब हमने यहां पर आकर ग्राउंड जीरो पर देखा तो यहां पर एक अच्छी क्वालिटी की पीपी किट्स बनाई जा रही हैं। ये पीपी किट्स यहां पर डॉक्टर्स को और जितने भी पुलिसकर्मी हैं या फिर जो बीमार व्यक्ति है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, जो उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं, उनको यहां से पीपी किट सप्लाई की जाती हैं और मास्क भी यहां से ही सप्लाई किए जाते हैं। मेरठ का ये एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्र कोरोना से लड़ाई लड़ने में अपना पूरा सहयोग दे रहा है। मेरी सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज मेरठ। राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में कल देर शाम तेज रफ्तार आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इससे खेत और खलियान में खड़ी और पड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। आजमगढ़, पीलीभीत और बदायूं सहित कई स्थानों पर ओले भी गिरे। आकाशीय बिजली गिरने व तेज आंधी के कारण हुए हादसों में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सीतापुर और मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कानपुर के बिल्हौर में बिजली का खंभा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इटावा में एक संभल में छत से गिरने से दो लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी और पानी के कारण फसलों में हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा है और साथ ही किसानों को तत्काल मदद उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली से जान गंवाने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मदद देने के भी निर्देश दिए हैं। आज रमजान का तीसरा रोजा है। रमजान का महीना जो कि सिर्फ इबादत का महीना है, इस माह के मद्देनजर धर्मगुरु ने जनता से अपील की है कि वे एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, घर में रहकर इबादत करें और खुद कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहने के लिए सरकार के निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह का पालन करें। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को अल्लाह ताला की इबादत के लिए खास अहमियत दी गई है। इस माह में लोग रोजा रखते हैं, यानी पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रब की रजा हासिल करते हैं। एक महीने तक जारी रहने वाले रमजान में लोग अल्लाह ताला की खास इबादत के साथ साथ खैरात के जरिए जरूरतमंदों का भी ख्याल रखते हैं। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी बीमारी का सामना कर रही है, जो सिर्फ लोगों के मिलने जुलने या एक जगह जमा होने से फैलती है। ऐसे हालात में हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें और जो भी इबादत करें वो अपने घर पर रहकर ही करें और रोजा भी घर पर ही इफ्तारें। आज के इस बदले हुए हालात में कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसकी तबाहकारियां पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर हो चुकी हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस्तेमाहात से बचें, अपनी इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। इन बदले हुए हालात के अंदर यही हमारा दीनी फरीजा भी है। वो इसलिए कि खुद अपने आप को हलाकत में डालना खुदकुशी है, जो यकीनन जायज नहीं है, और दूसरों को हलाकत में मुब्तला करना ये कत्ल के मुतरादिफ है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अपनी तमाम इबादात को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए रमजान के इस खास महीने में हमें सरकार की तरफ से जारी हिदायत, डॉक्टरों के मशवरे और मजहबी लीडरों की अपील पर अमल करते हुए लॉकडाउन की पाबंदी करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें
और इस बात का भी ख्याल रखें कि हमसे कोई ऐसी कोताही ना हो जो हमारे घर वालों, पड़ोसियों और समाज के लिए खतरा बन जाए। इसलिए खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज। किसानों के कल्याण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर रही है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों को 2,000 रुपए 3 किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे उनके खाते में डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के किसानों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यक्रम से जो केसीसी जो चल रहा है, मैं 3 किस्त पाया हूँ। चौथी किस्त गेहूँ हूँ काट कर, मैं धान का बुआई के लिए कार्यक्रम चल रहा है और आपका इसी तरह सहयोग रहेगा तो किसान आगे बढ़ जाएंगे। आपको कुछ कुछ धन्यवाद लोग दे रहे हैं। मोदी जी द्वारा जो सम्मान निधि प्राप्त हो रही है उसे किसानों को जो है बड़ा जो है उत्साह मिल रहा है, ताकि जो है जब जब फसल की जरूरत पड़ती है बोने के लिए वह सहयोग के रूप में हम लोगों को जो है एक संजीवनी बूटी का काम करती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो स्कीम लागू किए हैं, हर 3-3 महीने पर किसानों के खाते में जो 2,000 रुपये आ रहा है, हम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना ये है। मोदी जी हमको 2,000 रुपये दे रहे हैं और गेहूं कट गया है, रहर पिटा रही है और इसके बाद धान को बेहन डालना है, फिर मोदी जी फिर हमको 2,000 रुपया मिलेगा तो मैं बेहन डाल सकता हूं। लॉकडाउन की वजह से सारे कामकाज ठप हैं और लोग अपने घरों में ही बंद हैं। ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों के साथ प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरी तरह से खड़ी दिखाई पड़ रही है। सरकार ऐसे लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त खाना और खाते में पैसा भी डाल रही है, जिससे लोग अपना जीवन यापन कर सके। गरीब परिवारों में ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो विधवा और काफी बुजुर्ग हैं। सरकार ऐसी विधवा महिलाओं को भी पेंशन दे रही है। साथ ही आपदा की इस घड़ी में उनके जीवन यापन के लिए उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से पैसे भेज रही है। अम्बेडकर नगर के घाघरा नदी के तट पर स्थित कोतवाली टांडा क्षेत्र के मांझी टोला मोहल्ले की दर्जनों ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हैं और आमदनी का कोई भी जरिया उनके पास नहीं है। इन विधवा बेसहारा महिलाओं के खाते में भी सरकार ने DBT योजना के अंतर्गत पैसे भेजे हैं, जिसको पाकर बुजुर्ग बेसहारा महिलाएं काफी खुश दिखाई पड़ रही हैं। अंदर से बाहर तो निकल नहीं पाओ, फिर बच्चे लोग सब परेशान हैं। सरकार मदद किए है, 1,000 रुपया खाता में मतलब दिए हैं। 1,000 रुपया भेजे हैं। हमारे देश में इतनी मुसीबत है और कहीं काम धंधा करने नहीं जा पा रहे हूँ। प्रधानमंत्री जी मेरे खाते में 1,000 रुपया भेजे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबके ऊपर बहुत मुसीबत आवे कोरोना का, कि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और 1,000 रुपया हमारे खाता पर मोदी जी भेजे हैं। मोदी जी के धन्यवाद। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की स्थिति पर किया विचार। प्रयागराज में अध्ययनरत 10,000 छात्रों को प्रदेश सरकार पहुंचाएगी उनके घर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में अन्य जिलों में रहने वाले छात्रों को घर पहुंचाने का आदेश किया जारी। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,955 केस आए सामने, 355 लोग कोरोना संक्रमण से हुए ठीक। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1,589। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज को दी गई प्लाज्मा थेरेपी से सकारात्मक परिणाम आए सामने, चिकित्सकों ने कहा संक्रमण से ठीक हुए लोग दान करें प्लाज्मा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है।
इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना, बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ, जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।